आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। किसी भी इलाके का नाम उस इलाके में रहने बसने वाले मौजूद शख्सियत या फिर उस इलाके की जोग्राफी हैयत या फिर वहाँ पर किसी तारीखी शय का होना, इनसे मोहल्लों के और इलाकों के नाम मंसूब हुआ करते हैं। शहर हमनगर में भी एक ऐसा मोहल्ला है जिसका नाम बंडलागिरी है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूँ कि बंडलागिरी के माने वो इलाका, गिरी के माने इलाका और बंडला के माने बैल की बंडी, यानी कि बैल की बंडियाँ रहने वाला इलाका बंडलागिरी। जी हाँ नाज़रीन, ये नाम बिल्कुल आपको लिए ताज्जुब खेज होगा, लेकिन यहाँ हम हमनगर में बसने वालों के लिए ये नाम कोई नया नाम नहीं है। वो इसलिए इस इलाके का नाम बंडलागिरी है क्योंकि उस वक्त, यानी कि आज से अगर 50 साल कबल हम चले जाएँ, तो शहर में हमलों दखल के लिए, यानी कि ट्रांसपोर्टिंग के लिए कोई दूसरा जरा नहीं था सिवाय इन बैल की बंडियों के। क्योंकि यहाँ जिस इलाके का जो इलाका बंडलागिरी यहाँ पर मोहल्ला है, यहाँ पर उस वक्त कसरत से बैल की बंडी हाँकने वाले रहा करते थे, बैल की बंडी चलाने वाले रहा करते थे। उसकी वजह यह थी कि आज से 50 साल कबल शहर हमनगर का मरकज़ी बाज़ार जो हुआ करता था, वो यहाँ से करीब में पुराना गंज राम मंदिर चौरस्ते पर तमाम बाज़ार हुआ करता था, यानी कि महबूबनगर का तजारती मरकज़ वो हुआ करता था। और वहाँ तजारती मरकज़ से कोई सामान लादने के लिए, वहाँ से ले जाने या फिर वहाँ पर सामान लाने के लिए सिर्फ बैल की बंडियों का इस्तेमाल होता था। इसी वजह से इस मरकज़ के करीब में ये बैल के बंडियों का इलाका, यानी कि जो लोग बैल की बंडी हाँकते थे उनका इलाका है, उनके मकान थे, और उस इलाके में रहने वालों का पेशा यही था कि वो बैल की बंडी चलाया करते थे। और ये जो चौराहा आप देख रहे हैं, चौराहे पर उस वक्त तमाम हर तरफ बैल की बंडियाँ नज़र आती थी। ये चौराहा अब वसी हुआ है, जिसमें के बाद इस चौराहा को वसी और अरीज किया गया है, लेकिन इससे पहले ये ऐसा नहीं था। यहाँ पर अक्सर हम देखते थे आज से 30-40 साल पहले यहाँ पर बंडियाँ खड़ी हुई होती थी। आज उन बंडियों की जगह इन कारों ने ले ली है यकीनन, और ऑटो ट्रालियों ने ले ली है, लेकिन उस वक्त बंडियों का ही चलन था और बंडियाँ ही हमलों नकल और ट्रांसपोर्टिंग का वाहद जरिया थे। और यहाँ तक कि तामीरी अगराज मकाजद के लिए जो सामान, यानी कि रेती, गच्ची, उस वक्त गच्ची हुआ करती थी, सीमेंट नहीं होती थी, गच्ची और ईंट वगैरह को लाने के लिए भी यही बैल की बंडियों का इस्तेमाल किया जाता था। उसीलिए इस इलाके का नाम बंडलागिरी पड़ा, क्योंकि इस इलाके में जो लोग रहते थे उनकी अक्सर बंडियाँ चलाने वालों की थी, बंडियाँ हाँकने वालों की थी। और इस इलाके की शनाख्त को बरकरार रखने के लिए मुकामी रियासत वज़ीर बराए सहायत और आबकारी डॉक्टर विश्वनाथ गौड़ ने एक बेहतरीन काम अंजाम दिया। वो ये कि इन्होंने यहाँ पर एक चौराहे की तोसी अमल में लाई, चौथी के बाद यहाँ पर एक बैल की बंडी का मुजस्मा नस्ब करवाया। आप देख सकते हैं कि ये एक शाहकार, अपने आप में एक शाहकार है। जिस किसी ने भी इसकी तामीर की है, इस मुजस्मे को बनाया है, यकीनन वो काबिल तारीफ़ है। इतने बेहतर अंदाज में मुजस्मे को तामीर किया गया है, और उसके बाद उसमें जो रंग दिया जा रहा है उसकी, वो सोने पर सुहागे मुतरदीफ है। इनके जो रंग दिया गया है इन बैलों में और इस बंडी में, ऐसा लग रहा है कि दूर से देखने पर ये बैल बिल्कुल ज़िंदा नज़र आ रहे हैं। कल ही हमने सिटी न्यूज़ पर एक प्रोग्राम पेश किया था जिसमें एक गाय इन बैलों के करीब आकर कुछ बात करने की कोशिश कर रही है। वो गाय भी धोखा खा चुकी थी कि वो जो बैल हैं वो शायद हकीकी बैल होंगे। आज हमने भी देखा कि उन बैलों को अगर देखा जाए तो वो हकीकी बैल नज़र आ रहे हैं। उस इतनी ज़िंदगी इन मुजस्मों में इस रंग के लिए दी जा रही है, रंग के जरिए दी जा रही है। तो नाज़रीन, आइए जो पेंटर यहाँ पर इस बंडी में जो बेजान बंडी में रंग भर रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से हैं और किस तरह ये काम करने में उन्हें कितना तजुर्बा हासिल है, ये भी उनसे जानने की कोशिश करते हैं। కట్టడం అయితే అతను కుమార్ స్వామి సార్ ఉన్నారు కదండి, వాళ్ళు హైదరాబాద్ అని ఉన్నారు, మేము పెయింటింగ్ వర్క్ చేస్తుంటాం. మా ఒక 10 ఇయర్స్ వర్క్ చేసాం అన్నమాట, అక్కడ నేర్చుకున్నాం.
इनका कहना है कि ये विशाखापट्टनम के रहने वाले हैं और इनके उस्ताद के पास इन्होंने ये फ़न सीखा है, और जिस तरीके से बैल की आँखों में इन्होंने रंग दिया है, ये गुमान हो रहा है कि ये बैल जिसको इसकी आँखें जो है बिल्कुल असली हैं, नकली मुजस्मा नहीं है। तो इतनी नज़ाकत के साथ ये काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि कुमार स्वामी जो हैदराबाद में इस मुजस्मे को बनाने के गुत्तेदार हैं, उनके ज़रिए उन्हें ये काम हासिल हुआ है और वो विशाखापट्टनम से आकर यहाँ पर ये काम अंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ जनाब खादर बेग साहब, एसोसिएट प्रोफेसर नूर कॉलेज मौजूद हैं, जो उस ज़माने में इस इलाके के ज़मींदार भी हुआ करते थे। इनके आबा अजदाद की ज़मीनें हुआ करती थी इस इलाके में, वो इस इलाके से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस इलाके का नाम बंडलागिरी क्यों पड़ा और इस इलाके में इस चौराहे पर, चौराहे की तोसी के बाद इस पर, यहाँ पर बैल बंडी को नस्ब करने पर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तमाम अहबाब जो भी इस चैनल के ज़रिए से समाप्त कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, खुशखबरी की बात है। बैलगाड़ी का तनसीब किया गया है। इसकी तारीखी जो है पस मंज़र ये है कि इससे मुत्तसिल जो है दो तीन जो है गलियां हैं, बहुत बड़े बड़े गलियां हैं, जिसमें जो है यादव कम्युनिटी के लोग रहते थे और तेलंगे रहते थे, तेलंगे कम्युनिटी के लोग और दूसरे पसमंदा तबकात के लोग रहते थे, और बहुत ही मेहनतकश लोग ये लोग जो है पूरे महबूब नगर, जितना भी महबूब नगर मुस्तखर था, उन सबको जो है ये लोग लाल गेरू मट्टी और रेती और गच्ची जो है कोलू के ज़रिए से जो है गच्ची बनाई जाती थी, ये खुद जो है कोलू के ज़रिए से जो है गच्ची बनाते थे, कंकर पत्थर और चूना डाल के गेरू जो है सारे शहर में जहाँ पे भी तामीर का काम होता था, ये सब की ये उन सब के लिए तामीर का जितना भी जो है अशिया की ज़रूरत पड़ती थी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जितना भी ज़रूरत पड़ती थी, यहाँ के इस एरिया के यादव तेलंगे और जो है दूसरे पसमंदा तबका जितने भी थे, वो लोग जो है ये सारे के सारे इस पेशे को अख्तियार किए हुए थे और इस शहर, इस मुल्क, इस मुकाम को की तामीर और तोसी में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और मौजूदा इस वक्त ये जो बंडी और बैल को हांकते हुए आदमी को बताया जा रहा है, उसकी वजह ये है कि इस इलाके में सब जो है सबके पास बंडियाँ रहते थे और ये लोग बंडियों के ज़रिए से गच्ची, लाल मिट्टी, ईंट, रेती, सीमेंट सारे महबूब नगर पूरे मुस्तखर को सप्लाई करते थे ये लोग, और ये लोग खुद जो है गच्ची बनाते थे, तो इस वजह से वो गच्ची भर के बंडी में भर के ला के जहाँ पे भी तामीर होती थी वहाँ पहुँचाते थे। इस वजह से हर एक के घर में बंडी रहती थी इनके पास, इस वजह से इस इलाके का नाम बंडलागिरी रखा गया है। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब श्रीनिवास गौड़ साहब का, जो है इस बंडलागिरी की तारीखी पस मंज़र को मद्देनज़र रख के जो मुजस्मा लगाए हैं, इससे जो है सही तरीके से जो है इस बस्ती की नुमाइंदगी हो रही है इस मुजस्मे के ज़रिए से। जब लोग आके यहाँ पे गुजरेंगे, टूरिस्ट आएंगे या जो भी आएंगे, जब देखेंगे तो इससे समझ जाएंगे कि यहाँ के लोग किस किस्म के, इनके आबा व अजदाद किस किस्म का पेशा करते थे। और उसके लिए मैं जो है बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने सही जगह पे जो है बंडी का मुजस्मा नसब किए हैं। मेरे साथ शहर अनवर के सीनियर सियासी शख्सियत जनाब ख्वाजा फैज़ुद्दीन अनवर पाशा मौजूद हैं, जो इस इलाके के साबिका काउंसलर भी हैं और इनका मकान यहीं इसी इलाके में हुआ करता था। आइए इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस इलाके का नाम बंडलागिरी क्यों पड़ा और ये इस बंडी को नस्ब करने से इस इलाके के आवाम के एहसास क्या हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं अनवर पाशा इस महले का ही रहने वाला हूँ एक ज़माने दराज से। ये इस महले से ताल्लुक़ हमारा दादा परदादा के ज़माने से, हम यहीं के रहने वाले हैं और इस महले का नाम ज़माने दराज से बंडलागिरी नाम रखा गया। बंडलागिरी की खसूसियत ये है, इस महबूब नगर जब महबूब नगर था तो महबूब नगर में ज़्यादा बंडियाँ यहाँ के लोगों के पास ही हुआ करते थे, और जो चीज़ भी महबूब नगर में ट्रांसपोर्ट वगैरह भी होता था या घरों के कंस्ट्रक्शन वगैरह का, तो भी यहीं के बंडियों को इस्तेमाल किया जाता था। उसी ज़मीन में इस महले का नाम बंडलागिरी रखा गया है। और आज जबकि एक ज़माने के बाद एक शिनाख्त के तौर पर हमारे हरदिल अजीज़ हमारे मिनिस्टर साहब इस शिनाख्त को बरकरार रखने के खातिर इस चौरस्ते को एक तो बहुत बड़ा किया गया, कुशादा किया गया, काफ़ी तरक्की दी गई, उसके बाद है तो कि यहाँ पे चौरस्ते पर
एक बंडी को नसब करके ये जाहिर कर दिए कि यहाँ के लोग बंडी चलाने के लोग थे। पहले यहाँ से बंडी का हर्ष की शुरुआत हुई और आज भी यहाँ पे यही हर घर में तकरीबन बंडी के कारोबार करने वाले, जानवरों का, बैलों का कारोबार, बकरियों का कारोबार करने वाले लोग यहाँ रहते हैं और ये आसपास का पूरा इलाका बंडियों पे ही रोज़गार कमाता है, रोज़गार से काम करते हैं। हम खासकर हमारे मिनिस्टर साहब श्रीनिवास गौड़ साहब के बहुत मशहूर हैं कि वो हमारे इस महले की शिनाख्त को बरकरार रखने के खातिर इस बंडी को यहाँ पे नसब करके ये हमारा एक निशान के सर का बना दिया। हम उनके बहुत मशहूर हैं, पूरे महले वाले भी उनके मशहूर हैं, क्योंकि इस महले की तरक्की में उन्होंने जो काम किया है वो हमेशा याद रहेगा। आपने देखा कि इलाके की आवाम भी इस मुजस्मे को यहाँ पर नस्ब करने से काफ़ी खुश है। वो कह रहे हैं कि इनके इलाके का नाम जिस शहर से मंसूब है उसको फिर यहाँ पर बतौर मुजस्मा लगाने से उनके इलाके की शान में इजाफा हुआ है और जो पहचान है कदीम शनाख्त जो मुकामी रियासती वजीर से भी इजहार तशक्कुर कर रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैयद अशफाक के साथ मोहम्मद तकी हुसैन, सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।